मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में जनता दल यूनाइटेड जौलपुर द्वारा मजदूरों के साथ जौलपुर लेबर चौक पर मजदूरों का फूल मालाओं से सम्मान कर मिष्ठान वितरण करते हुए मजदूर दिवस मनाया गया। भारी संख्या में मजदूर भाई एकत्रित हुए तथा अपनी परेशानियां आज के संदर्भ में व्यक्त की। मजदूरों के द्वारा अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए जनता दल इकाई को बताया गया कि मजदूरों को इकट्ठे होने के लिए कोई सुविधाजनक नियत स्थान नहीं है। जौलपुर के कुछ तिराहों पर और चौराहों पर एकत्रित होते हैं और जहां खड़े होते हैं वहां के दुकानदार उन्हें वहां से अपमानित कर भगाते हैं। छाया व पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं रहती। यह सुविधा प्रशासन की ओर से मुहैया कराई जानी चाहिए। ठेकेदार व मालिक पूंजीपतियों के द्वारा अनेक प्रकार से शोषण किया जाता है। मजदूरी और अन्य सुविधाएं जो मानवीय अपहरणता के अंतर्गत होती हैं नहीं दी जाती तथा बिना सुरक्षा साधनों के असुरक्षित स्थिति में जोखिम भरा काम भी कराया जाता है। मजदूरों की ओर से यह मांग भी की गई कि सरकार को 1,000 रुपये प्रतिदिन चाहे पुरुष और महिला दोनों को न्यूनतम मजदूरी नियत की जानी चाहिए। हमारे मजदूरों की है कि राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड क्यों नहीं मिल रहा है? ये सब साजिश है और हम इस बात को के नीचे एक देखेंगे। और हमको मालूम है कि जानबूझकर के साजिश रची जा रही है कि जो चीन चीन के थे ये जो सरकारों में केवल पहचान पहचान करके अपने लोगों को अपने कार्यकर्ताओं को उनके पार्टी के कार्यकर्ता उनकी मजदूरी चला कर ये उनका रोजगार चलाया जा रहा है। समझे ना, जो जो सुविधाएं उनको दी जा रही है बहुत गलत बात है। वास्तविक मजदूर जो मेहनत जो पसीना बहाता है और जो वाकई उसे उसमें श्रेणी में है उनको सबका राशन कार्ड बनाया जाना चाहिए। इस बात का भी आंदोलन हम किए जाएंगे। जौलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।